प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बारिश का मौसम है, ट्रैफिक का वक्त है, यही सही मौका है। अरे मगन, जीजा जी भी अरे मगन जाला ठीक है, चाबी के बराबर बंद कर रहा जाला, ये के हैंडल के चल। अरे लाइट चली गई क्या? बाथरूम की लाइट तो चालू है, तो गोडाउन की लाइट किसने बंद की? ओह, आज पता चला इतना बड़ा गोडाउन है। तरह स्विच मिल गया, मिल गया। ये शटर किसने बंद किया? ये तो लॉक है। सुरेश, तूने शटर ठुकने की आवाज सुनी क्या? अरे ताला लगा है, तेरा भ्रम है, चल। अरे मैं इधर अंदर हूँ गोडाउन में, किसने बंद किया? अरे खोलो। नटू काका मुझे लॉक करके तो नहीं चले गए? नटू काका बोलने तो अभी जड़ समाधि ले ली। ये सुंदर और नटू काका दोनों ने मुझे परेशान करने के लिए जन्म लिया है। अरे नटू काका Thank you.
अभी तक बंद है। अभी मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊं? हेलो, अरे कोई है, सुन रहे हैं? हेलो नटू काका, ये नटू काका को भी अक्ल नहीं है। अरे गोडाउन की जगह पे कम से कम दुकान में बंद करते तो दूसरे मोबाइल से फोन तो कर सकता उनको। सच में आज का दिन बहुत भारी है। दिन के अभी तो लगता है रात भी भारी है। ए भगवान, मेरी मदद करो प्लीज। कौन है? हेलो 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 हेलो, कौन है? हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन कौन? अरे तुमने फोन किया है तो तुम मेरा ना कॉल। अरे मैं जेठालाल गोड़ा हूँ। लाल वड़ा? अरे वड़ा तो पीला होता है ना, और वो बेसन का होता है। लाल वड़ा किधर से आ गया? लगता है कोई दारू लिया है। चलेगा। अरे भाई साहब देखो, मैं शटर के अंदर हूँ, शटर के अंदर। बटर के अंदर वड़ा? तुम ठीक से चेक करो, तुम वड़े के ऊपर हो गया। भगवान, आपने इसको मेरी मदद के लिए भेजा है कि मेरी मस्ती करने के लिए भेजा है? कितना पिया है, अंदर तक बास आ रही है। अरे भाई, बटर नहीं, शटर, शटर, ये शटर। शटर? और मैं वड़ा नहीं, गड़ा, गड़ा, कच्ची कच्ची आदमी हूँ। तो हम लोग का वो सरनेम है गड़ा, जेठालाल गड़ा। मैं इधर गोडाउन में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो भाई प्लीज, मुझे बाहर निकालो। क्यों निकलना है भाई, क्यों निकलना है? अरे तुम एकदम सही जगह पे पहुंचे भाई, एकदम सही जगह पे पहुंचे। बाहर दुनिया बहुत मतलबी है मेरे दोस्त। अरे भाई, आजू बाजू और कोई दिख रहा हो तो उसको बुलाओ ना प्लीज। आजू में कोई नहीं, बाजू में भी कोई नहीं। हाँ, सामने एक आदमी खड़ा है, उसको बुलाएगा तो चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा, चलेगा क्या? बुलाओ भाई प्लीज, जल्दी बुलाओ। तुम इधर ही रुकना, कहीं जाना मत, मैं उसको लेके आता हूँ। हाँ, कहाँ जाऊंगा भाई? ए आदमी, क्या फोन रख, वो बुला रहा है। कौन? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया? दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता। ए बेवड़े, चल निकल यहाँ से, चल। मेरे को क्या, मैंने तो अपना काम किया। वड़ा ला आगे क्या? वड़ा भाई, ए, ए, बस शांति है, अभी अभी तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। अच्छा भाई साहब, देखो मेरा नाम जेठालाल गड़ा है, गोडाउन मेरा ही है। और क्या, मेरा आदमी गलती से मुझे अंदर लॉक करके चला गया। क्या, मैं बाथरूम में था ना, उसको मालूम नहीं होगा तो ऊपर से वो बंद करके चला गया। तो उसको बोलो कि इधर आके खोल जाए। हा? उसका नंबर है, लिखो 9819253633। अरे मोबाइल तो देना फोन करने के लिए। अरे भाई तू शांति रखना अभी, एक मिनट मैं इनसे बात करूं, तू शांति रख अभी। हाँ भाई साहब, लगा फोन? ए, पी रहे क्या?
इधर दूसरा कोई नहीं, मैं इधर अकेला हूँ। अरे वो सामने वाला भाई साहब कहाँ? अरे वो तो सामने से निकल गया। मोबाइल दो ना मेरे को अर्जेंट कॉल करने का। हेलो, लगता गिर गया। तुम लोग है ना इतना क्यों पीते मेरे समझ में नहीं आता। कंट्रोल करेगा मेरी तरह कंट्रोल। एक कुत्रिया, मैं शेर हूँ। पीने के बाद हर कोई शेर बन जाता है। आइए खाना तैयार है, खाने के लिए बैठ जाइए। तू सब लोगों को बुला के लेके आ जा। बहू, जेठा को जरा फोन लगा के पूछ, एयरपोर्ट के लिए निकला कि नहीं वो? जी बापूजी। बापूजी, टप्पू के पापा का फोन तो बंद आ रहा है। कमाल है, फोन बंद क्यों आ रहा है? वो क्या है बापूजी? सुबह पतू ने एक प्लॉट की बढ़िया स्कीम दिखाई थी, तो वो खरीदने के लिए मैं जीजाजी को बार बार फोन कर रहा था, इसलिए शायद उन्होंने तंग आकर फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। शायद ऐसा ही हुआ होगा। बापू जी सोच रहे होंगे मैं गोवर्धन काका को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, उनको कैसे मैसेज पहुंचाऊं कि एयरपोर्ट नहीं मैं गोडाउन पहुंच गया हूँ, मुझे लेने के लिए किसी को भेजो। ये मोबाइल को भी आज ही बलि चढ़ना था। और ये नटू काका भी नंग है नंग। अरे ऐसे कैसे मुझे गोडाउन में बंद करके जा सकते हैं? कहीं आज वो मुझसे रूठ गए थे, उसका बदला तो नहीं लिया? नटू काका ऐसा नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं इधर गोडाउन में हूँ। ये वो कौए की वजह से हुआ है ना, वो मेरे हाथ पे छी छी करता ना मैं इधर बाथरूम में आता। ये मैं किसके साथ क्यों बात कर रहा हूँ? ग्यारह बज गए, गोवर्धन काका का प्लेन आ गया होगा। अरे कोई है? कोई सुन रहा है? अरे क्या कर्फ्यू लग गया क्या? क्या इतनी जल्दी सो गए सब? अरे 12 बजे तक कितना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आते हैं टीवी पे। दरवाजा होता तो ऐसा करके तोड़ देता। ये तो तोड़ भी नहीं सकता मैं। अरे, आ, 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 तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। रास्ता क्या है? चलना पत्ते चलना। टप्पू बेटा बहुत रात हो गई, 12:30 बज गए बेटा, जाओ जाके सो जाओ। नहीं मम्मी,
पापा और गोवर्धन दादाजी को आने दो, उसके बाद छूंगा। अरे टप्पू, बहू टप्पू को थोड़ी देर बैठने दे, जेठा मेरे दोस्त गोवर्धन को लेके अभी आता ही होगा है, गोवर्धन टप्पू से भी मिल लेगा। हाँ मम्मी प्लीज। ठीक है बापू जी। हाँ हाँ दोस्तों की बात ही कुछ निराली होती है, क्यों बाय बाय। हाँ भैया। अरे हम भी तो हमारे दोस्त को मिलने के लिए यहाँ आए ना। चलना ये पत्ते चलना। आ गए गोवर्धन काका। ए चंपकिया, ए गोवर्धनिया। केम छे? अरे तू केम छे? मजामा, बहुत दिनों बाद मिला है। पहला गोवर्धन काका कैसे आप? फर्स्ट क्लास बेटा। अरे हाँ हाँ पहचाना, टप्पू है ना टप्पू। हाँ बराबर। नमस्ते 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 नमस्ते। ये मेरा वीरा सुंदर है और ये मेरा दोस्त। बाय बाय। बस 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 बस, आओ गोवर्धन आओ। बाय बाय। देना माय डियर जीजाजी कहाँ रह गए? वो गोवर्धन काका का सामान लेकर आ रहे होंगे। अरे चंपक तूने तो कहा था जेठा एयरपोर्ट पर आएगा लेने के लिए, लेकिन वो तो आया ही नहीं। जेठा तुझे एयरपोर्ट लेने नहीं है? हाँ भाई मैंने तो उसका कितना इंतजार किया, आधा घंटा उसे ढूंढा भी लेकिन वो नहीं मिला। सुना था बम्बई वालों के पास टाइम नहीं है। अरे लेकिन इतना भी टाइम नहीं कि फोन करके बता सके कि वो नहीं आ सकता है। नहीं नहीं टप्पू के पापा ऐसे नहीं है, अगर उन्होंने कहा कि वो एयरपोर्ट लेने के लिए आएंगे तो वो जरूर आएंगे ही। बहू जेठा एयरपोर्ट पहुंचा क्यों नहीं? अरे चंपक मैं जेठा को अच्छी तरह जानता हूँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब अपना सारा काम छोड़कर मेरे ही पीछे था, इस बार वो कहीं अटक गया होगा। शायद पापा ट्रैफिक में अटक गए होंगे। अरे पर इतनी रात को थोड़ी ट्रैफिक होता है। वैसे गोवर्धन तू एयरपोर्ट से यहाँ कैसे है? अरे चंपक जब जेठा एयरपोर्ट पर नहीं आया तब मैंने छगन को फोन किया। वो एयरपोर्ट के पास ही रहता है ना। अरे मैं तो सिर्फ तेरे और तेरे पोते के लिए ये गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। सिर्फ गिफ्ट देने आया हूँ मतलब? अरे नीचे छगन मेरी राह देख रहा है ना, आज अगर उसके घर नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन देख चंपक जब मैं दुबई वापस जाऊंगा ना उससे पहले 3-4 दिन में तेरे घर में पक्का रहूंगा। हाँ हाँ जरूर आना काका। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। जैसा तू ठीक समझे। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। आओ जो काका। आओ जो बेटा आओ जो। अरे सुन गोवर्धन। हाँ। वो जेठा की वजह से तुझे जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अरे कैसी बात करता है चंपक, जेठा किसी काम में अटक गया होगा ना। चलो मिलते हैं। हाँ चलो टप्पू मिलते हैं। बाय बाय। आओ जो बेटा। मेरा दोस्त घर तक आकर चला गया, जेठा अगर वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गया होता तो गोवर्धन को छगन के साथ नहीं आना पड़ता, जेठा जरूर दूसरे एयरपोर्ट पे गया होगा। मैंने तो उसे फोन करके कहा था कि वो विदेश से प्लेन आते वही एयरपोर्ट पे जाना, कहाँ गया होगा। बापूजी टप्पू के पापा अगर एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो फिर कहाँ गए होंगे? बेना उनको डर लगा होगा कि वो यहाँ आ जाएंगे ना तो हम उनको जबरदस्ती प्लॉट दिलवा देंगे, इसलिए शायद ना आए हो। नहीं नहीं वीरा ऐसी कोई बात नहीं है, टप्पू के पापा एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो फिर मुसीबत में तो नहीं फंस गए है ना। भगवान जेठालाल मेहमान को लेने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और उनका फोन भी बंद है तो फिर गए कहां? भाई आप तो जानते हैं ना कि जेठालाल अपने गोडाउन में बंद हो चुके हैं। भाई क्या करें, मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी भी इस तरह से है जैसे कोई मुसीबत का महाग्रंथ हो, हर रोज एक नया पृष्ठ एक नया अध्याय जुड़ जाता है, पृष्ठ पलटिए और मुसीबत हाजिर। अब भाई जेठालाल की जिंदगी से मुसीबत का शटर तो तब गिरेगा जब सुबह नटू काका ये शटर खोलेंगे, लेकिन तब तक जेठालाल क्या करेंगे? क्या सारी रात उन्हें मेहमान बन के इस गोडाउन में रहना पड़ेगा और तब क्या होगा उनके परिवार वालों का? हमारी सीधी सादी दया भाभी कितनी परेशान हो जाएगी। क्या
जेठालाल की मदद के लिए यहाँ कोई आएगा या उनके घर वाले इसी तरह से परेशान रहेंगे। भाई परेशानियां है या मदद है या जेठालाल के लिए कोई नई मुसीबत है ये तो मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपके घरों में होंगे अनगिनत ठाके। तब तक सोचिए कि इस गोडाउन में बंद जेठालाल के साथ क्या क्या होता है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.